आंसू लेके होठों से। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद टच लाइव ब्यूटी चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियों में वातावरण का तापमान काफ़ी कम होता है, इस वजह से तापमान में रूखेपन की समस्या होने लगती है। सर्दियों के मौसम में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है और शरीर की नमी में कमी आ जाती है। इसके अलावा कुछ लोग सर्दियों में नहाने से भी कतराते हैं, ऐसे में त्वचा पर खुजली और जलन जैसी समस्या दिखने लगती है। ऐसे में आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कई घरेलू उपचार ऐसे होते हैं जो इन समस्याओं से निपटने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। इन उपचारों के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए पदार्थों में मौजूद पोषक तत्व रूखी त्वचा और खुजली जैसी समस्या से राहत दिलाते हैं। जैसे मिल्क क्रीम, मिल्क क्रीम में पाए जाने वाला फैट एसिड नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। यह त्वचा में नमी बनाए रखता है और लेवल को नियंत्रित रखता है तथा त्वचा के रूखेपन को दूर करता है। इसके लिए आपको रोजाना 10 मिनट तक आपको अपनी त्वचा पर मिल्क क्रीम लगाने रखनी है और आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, शहद में एंटी एक्साइटेड एंटी मॉइस्चराइजर के गुण होते हैं जो नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं। नहाने से पहले त्वचा पर शहद की मालिश करें और 10 से 15 मिनट तक इसे छोड़ दें और फिर नहा लें। इससे भी आपकी त्वचा में काफ़ी सरलता आएगी। नारियल, दोस्तों नारियल तेल में काफ़ी फैट एसिड होते हैं जो त्वचा पर नमी बनाए रखते हैं। इसमें विटामिन ई भी होता है जो खोई हुई नमी को वापस लाने में आपकी मदद करता है। नहाने से पहले नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके त्वचा पर लगाएं, इससे त्वचा के रूखेपन दूर हो जाएगा। जैतून का तेल, जैतून के तेल से में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ई होता है। यह एक नेचुरल मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है। नहाने से पहले 30 मिनट तक जैतून के तेल से मालिश करें और फिर नहा लें, देखेंगे कि आप अपनी त्वचा में रूखापन दूर हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों हम कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर सर्दियों में अपनी रूखी त्वचा से मुक्ति पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।